बैकग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के जमाल चौकी के बाहर मौजूद हूं और आपको बता दें कि कल रूपावास के अंदर ग्रामीणों ने साहसिक कदम उठाते हुए जो चिट्टा बेचने वाले और खाने वाले थे उनको दबोचने का काम किया और मौके पर पुलिस को बुला करके पुलिस के हवाले करने का काम किया। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जमाल चौकी के इंचार्ज हैं राम कुमार जी, SI, इनसे बातचीत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का इस मामले को लेकर के क्या कहना है, इन तमाम पहलुओं पर राम कुमार SI है, इनसे हम बातचीत करते हैं। कल तीन पकड़े हैं, एक जमाल का, एक रूपावास का और एक बकरिया वाली का। तीनों ने गांव वाले संतोड़ी गांव ने पूरा सहयोग दिया रूपावास में। तीनों से जो एक से जो बरामदगी हुई है वो 5 ग्राम और 20 मिलीग्राम बरामदगी हुआ है। तीनों जो आज टेस्ट करके जेल भेजिए। विकास सांगवान ने, ये जमाल का रहने वाला है और डाणियों में रहना, इसकी लगातार रेड जारी है, इसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो तीन जो गिरफ्तार किए गए हैं उनका कोई किसी प्रकार का कोई नाम कोई पता चलता है? हाँ, तीनों के नाम बिल्कुल है, एक का नाम प्रदीप है, एक का विक्रम और एक का संदीप है। इस चोपड़ा क्षेत्र की बात करें तो लगातार चीते का प्रकोप बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से किस प्रकार चीते नशे को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए? मैं लगातार प्रयत्न जारी है मेरे न हो। अच्छा, एक लड़की का एक नाम नहीं, मेरे सामने कोई लड़की, हाँ ना तो हमने जो पब्लिक ने पकड़ी है उसमें भी कोई लड़की नहीं थी, ना हो मेरे सामने, ये मेरा दार सी बात है। तो ये थे हमारे साथ राम कुमार SI, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जैसे ही हमारे को सूचना मिली कि इस प्रकार जो चिट्टा बेचने वाले और खाने वाले लोग रूपावास गांव के अंदर आए हुए हैं तो हमने तत्काल प्रभाव से उन सभी मौके पर जो तीन लोग थे उनको गिरफ्तार करने का काम किया और उनको जो है कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं आपको बता दें कि एक और जो उनके साथ जो मौके पर मौजूद था वो भागने में कामयाब हो गया, लगातार उसको पकड़ने के लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले को लेकर के एक निजी स्कूल का नाम लिया जा रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि वो उस स्कूल की वर्दी पहन करके आती है। इस बारे में राम कुमार सब इंस्पेक्टर ने कहा कि अभी तक इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, कोई किसी प्रकार की लड़की का जो नाम है वो सामने नहीं आया है। आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो पुलिस की कार्रवाई है वो तेजी के साथ आगामी कार्रवाई जो है करेगी। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा, धन्यवाद।